हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम हमारा नया यूनिट पैटर्न्स लेकर के आए हैं, यूनिट 3। बच्चों, पैटर्न्स बहुत ही फन बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। बहुत छोटा सा चैप्टर है मगर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मजा आएगा इसको करने में। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैटर्न्स होते क्या हैं। पैटर्न्स जो होते हैं बच्चों, पैटर्न्स में कोई भी चीज़ को रिपीटेड वे में या रिपीटेशंस के साथ शो किया जाता है। देखें, उसमें कई शेप्स भी होते हैं, कई फिगर्स होते हैं, कई नंबर्स होते हैं, कई अल्फाबेट्स होते हैं, तो उनको हम नंबर जो रिपीटेशन पैटर्न्स आते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। देखिए, इन पैटर्न्स देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ शेप्स, फिगर्स, लेटर्स और नंबर्स, और देयर कैन बी अ रिपीटेड और इंक्रीज ग्रोइंग पैटर्न्स और रिपीटेड डिक्रीज रिड्यूसिंग पैटर्न्स। इसमें आपको यहाँ चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी और मजा भी आएगा। देखिए, रिपीटिंग पैटर्न्स। व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी सी द सन एंड इट शाइन्स ऑल थ्रू द डे। जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा सन होता है, सूरज है, वो शाइन करता है। और डे बाय डे स्टार्टिंग जैसे सुबह होती है तब से लेकर के उसकी शाइन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और दोपहर में बहुत तेज होती है। और फिर जब उसका पैटर्न रिड्यूस होता है, जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे उसकी शाइनिंग थोड़ी कम होती जाती है ना, और पूरे दिन रहती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे शाम होती है, धीरे धीरे उसकी शाइन जो है रिड्यूस होती जाती है। इसी तरह मून भी जो होता है वो भी अपने ग्रोइंग और रिड्यूसिंग पैटर्न में शो होता है। इन द इवनिंग द सन सेट्स डाउन एंड द मून एंड स्टार्स अपियर इन द स्काई। द सन एंड द मून अपियर इन द स्काई वन आफ्टर द अदर। सिमिलरली सीजन्स ऑल्सो कम वन आफ्टर द अदर इन अ रिपीटिंग और साइक्लिकल मैनर। सच पैटर्न्स विच रिपीट फ्रॉम टाइम टू टाइम आर कॉल्ड रिपीटिंग पैटर्न्स। ऐसे पैटर्न जो एक टाइम टू टाइम रिपीट होते हैं उसे हम रिपीटिंग पैटर्न्स कहते हैं। देखिए, यहाँ आपको रिविजन टाइम दिया है। एक्सटेंड द सीक्वेंस बाय रिपीटिंग द पैटर्न्स वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सन है, ये मून है, सन मून सन मून सन मून, इन्होंने एक आपको पैटर्न करके दिया है। इसी तरह यहाँ पर आपको सेकंड पैटर्न दिया है। देखें, यहाँ पर ये ट्रायंगल है ना, लेकिन इसमें पैटर्न देखिए, यहाँ पर पहले इसको हाईलाइट किया हुआ है, फिर ये हाईलाइट है, फिर ये हाईलाइट है, फिर ये हाईलाइट, एक पैटर्न बना हुआ है, पहले ऊपर वाला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी तरह आपको उसको कंप्लीट करना है। तो अभी यहाँ नीचे है तो अब यहाँ पर कौन सा आएगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला ट्रायंगल को आपको कलर करना है, ठीक है, पर्पल कलर। ये मैंने आपको पेंसिल से ही कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर कलर पेंसिल से यूज करके इसको करना है। अब जैसे ये ऊपर किया है, फिर आपको यहाँ पर नीचे वाला करना पड़ेगा, है ना बच्चों? तो आपको ये इस तरह से पैटर्न डिजाइन करना है। आप लोग ये कर पाएंगे, बहुत फनी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको करते हुए, है ना? आप लोगों को समझ में भी आएगा कि इसमें फन किस तरह से दिख रहा है। ये आपने इस तरह से पैटर्न बना दिया। यहाँ पर आपको भी स्टार, एक सर्कल, फिर स्टार, फिर सर्कल, फिर ये हमने आपके लिए कर दिया, स्टार सर्कल स्टार सर्कल, इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप लोग बच्चों इसको कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ नीचे एक डी पे भी आपको इस तरह की एक बॉल दी हुई है, जिसमें ये रेड है, फिर यहाँ इधर रेड है, ये पैटर्न में फिर ये नीचे आ गया घूम के, एक तरह से घूम रही है बॉल। देखें आप, पहले ये क्लॉकवाइज घूमी तो इधर आ गया, फिर ये घूमी फिर इधर आ गया, फिर ये घूमी तो ये फिर इधर आ गया, इस तरह से घूम घूम के एक पैटर्न बना रही है। दिख पा रहे हैं? ये हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया इस तरह से कलर करके। तो इस तरह से आपको इसको रेड कलर करना और बाकी पार्ट को येलो करना है, तो आप येलो इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपके लिए डार्क किया है इसको आपको रेड करना है, ठीक है। रिमेम्बर 0101, यहाँ भी एक पैटर्न है, नंबर्स का पैटर्न है। यहाँ पर ये बार जो दी हुई है, ये बार पहले वर्टिकल है, फिर स्लिपिंग है, फिर वर्टिकल यानी स्टैंड पोजीशन में है, और इस तरह से आपको ये पैटर्न डिजाइन करना है। तो आप ये कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 20 निकालिए। यहाँ पर आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा। गिव द नेक्स्ट थ्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, तो अब अगला क्या होगा? ऑब्वियसली ए बी सी,
है ना। यहाँ देख पा रहे हैं आप, एक स्टार है, फिर एक ये कर्व बना हुआ है और एक एरो है, फिर स्टार है, फिर कर्व है, फिर एरो है। सो अगला क्या होगा? ऑब्वियसली स्टार। फिर एक कर्व और एरो, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर यहाँ पर एक सिंगल एरो है, डबल एरो है, फिर ट्रिपल एरो है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। सो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ऐसे एरो आपको डिजाइन करना है ना। फिर सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ, देन जी एच, देन अगेन सी डी एंड ई एफ। ठीक है, पैटर्न समझ आ रहा है। ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन। सो राइट अगेन ए वन बी वन एंड सी वन, है ना। यहाँ गिव द नेक्स्ट फोर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ भी आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सो अगेन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, ये ऑपरेटर साइन है। फिर एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, है ना। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ देखें आप, ये एक बार दी हुई है ना, फिर ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ये एरो है, फिर स्क्वायर है। अब ये वापस एक छोटा रेक्टेंगल आया, फिर ये बड़ा रेक्टेंगल आया। अब आपके पास क्या आना चाहिए अगला सीक्वेंस? यस, ये एरो आएगा। सो ड्रॉ या लाइक दिस, है ना। फिर इस एरो के बाद एक स्क्वायर आता है। सो राइट ड्रॉ स्क्वायर हियर, है ना। स्क्वायर ड्रॉ होने के बाद फिर ये इस टाइप की एक बार आएगी, टिल्टेड बार। ये आपने टिल्टेड बार बनाई, ठीक है। फिर एक ऐसा रेक्टेंगल आएगा। सो रेक्टेंगल को आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, देख पा रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखिए आप सीक्वेंस, पी वन टू, क्यू वन थ्री, आर वन फोर, एस वन फाइव। पी के साथ 12 है, क्यू के साथ 13 है, आर के साथ 14 है, एस के साथ 15 है। यहाँ पर सीक्वेंस फिर से फॉलो कर रहे हैं, पी के साथ 12, क्यू के साथ 13, आर के साथ 14, एस के साथ 15, देन फिर से रिपीट होगा, पी 12, क्यू 13, है ना। तो आप लोगों को ये सीक्वेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए, एम वन एन टू ओ थ्री पी फोर, एम वन एन टू ओ थ्री पी फोर, है ना। फिर एम वन एन टू एंड ओ थ्री, ठीक है। तो आप लोगों को ये पैटर्न्स अच्छे से करने आ गए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इनको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज आवर ग्रोइंग पैटर्न्स। अभी हमने रिपीटिंग पैटर्न देखा था, अब हमारे पास है ग्रोइंग पैटर्न्स। हैव यू एवर सीन द नाइट स्काई ऑन अ न्यू मून और अमावस्या व्हेन द मून इज नॉट देयर इन द स्काई? आपने न्यू मून देखा होगा, पूर्णिमा जब होती है ना, और अमावस्या होती है जब स्काई पे मून नहीं होता, है ना। सो आफ्टर द न्यू मून नाइट, ऑब्जर्व द स्काई एवरी नाइट। ऑन एवरी नाइट द मून विल कीप बिकमिंग अ लिटिल ब्राइटर एंड इन 14 डेज अ फुल मून और पूर्णिमा विल बी ऑब्जर्व, है ना। आपने देखा होगा कि स्टार्स बने होते हैं, स्टार्स के बीच में कोई मून नहीं होता, तो नो मून और न्यू मून, है ना। देन यहां से सीक्वेंस बढ़ना शुरू होता है, आपके पास मून आ जाता है बिल्कुल पतला सा, फिर ये बढ़ता जाता है, ग्रो होता जाता है, ग्रो होता जाता है, ग्रो होता जाता है। एक कंडीशन आती है जब वो फुल मून बन जाता है, नो मून न्यू मून, तो द साइज ऑफ द मून कीप्स गेटिंग बिगर एंड देन फुल मून। दिस इज द ग्रोइंग पैटर्न। सिमिलरली अ स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री एंड अ स्मॉल पपी बिकम्स अ बिग डॉग, है
है ना, ये भी एक ग्रोइंग पैटर्न है। जब छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बनता है, या छोटा सा कुत्ते का बच्चा एक बड़ा डॉग बन जाता है। यू वर ऑल्सो अ स्मॉल बेबी वेन यू वर बोर्न एंड नाउ यू हैव ग्रोन अप। आप जब छोटे से बच्चे थे, जब आप बच्चे पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे से, बहुत छोटे से थे, और आप ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग पैटर्न्स। वी कैन ऑल्सो हैव अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट शेप नंबर एंड फैब्रिक्स। यहाँ भी आपको कुछ इस तरह के पैटर्न्स नजर आएंगे, जैसे यहाँ वन फ्लावर, यहाँ टू फ्लावर, थ्री फ्लावर, फोर फ्लावर, मीन्स यहाँ पर एक ग्रोइंग पैटर्न है। सो आपको यहाँ पर एक पैटर्न है तो आपको उसको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक वन पैटर्न, यहाँ टू पैटर्न, थ्री फोर फाइव, इस तरह से उन्होंने करके दिया है। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न अल्फाबेट का नजर आ रहा होगा, यहाँ फर्स्ट है ए बी, देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी डी एंड ई, एंड द नेक्स्ट वन ए बी सी डी ई एंड देन एफ। ये पैटर्न समझ में आया? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न, ठीक है। चलिए टर्न करते हैं पेज। यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, देखिए ए बी देन ए बी सी, ए बी देन ए बी सी, देन ए बी सी डी, देन व्हाट, ए बी सी डी एंड देन ई, एंड नेक्स्ट ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स, फिर डबल बॉक्स, फिर ट्रिपल बॉक्स, फिर यहाँ आपके पास फोर बॉक्स होंगे, वन टू थ्री देन फोर। अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव, है ना। यहाँ वी वन, यहाँ डब्ल्यू टू, यहाँ एक्स थ्री, यहाँ पर वाई फोर एंड देन जेड फाइव, है ना। यहाँ पर टू स्मॉल बॉल्स हैं, यहाँ फोर है, यहाँ सिक्स है, हर बार दो दो से बढ़ रही है। देखिए यहाँ पहले दो थी, फिर दो उसके बाद दो चार हो गई, फिर दो चार और दो छः हो गई, इस तरह से ये ग्रो हो रही हैं दो दो के पैटर्न से। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू टू ज़ा फोर, थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, और यहाँ पर 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10। तो आपको इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज रिड्यूसिंग पैटर्न्स, ठीक है। आस्क योर मदर और फादर टू टेक आउट अन आउट ऑन ए पूर्णिमा और फुल मून नाइट। आपके मदर या फादर से कहें और उन्हें बताएं कि मुझे फुल मून या पूर्णिमा नाइट को देखना है। आफ्टर दैट वॉच द स्काई फॉर द फॉलोइंग 13 to 14 nights कंटिन्यूसली। अगर उसके बाद आप क्या करें, कंटिन्यूस 13 से 14 रातों को आप देखें। यू विल सी दैट द मून ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर विथ ईच पासिंग नाइट। जैसे जैसे रातें हर दिन घटेंगी, आपको नजर आएगा कि जो आपका मून है वो ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। ऑन द 15th night यू विल सी नो मून। और 15th वाली नाइट को आप देखेंगे तो आपको कोई मून नजर नहीं आएगा। दिस इज नोन एज अमावस्या और न्यू मून नाइट। ये आपका फुल मून था, ये फिर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मून आपको नहीं दिखाई देगा, उस दिन क्या होगी, अमावस्या होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न। हैव यू नोटिस्ड यू हाउ यूर पेंसिल्स कीप गेटिंग स्मॉलर एज यू शार्पन देम, और हाउ अ कैंडल गेट स्मॉलर वेन वी बर्न कंटिन्यूसली। देयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग पैटर्न। आप जब पेंसिल से अपनी लिखते हैं तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी होती है ना।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको शार्प करना शुरू करते हैं, धीरे 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 छोटी होती जाती है और एक समय पर ये खत्म हो जाती है। इसी तरह जो कैंडल होती है, कैंडल को भी जब आप जलाते हैं और ये कंटिन्यूस जलती है तो ये धीरे 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 रिड्यूस होती जाती है ना। तो ये सब क्या पैटर्न, किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिड्यूसिंग पैटर्न के। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वी कैन हैव रिड्यूसिंग पैटर्न ऑफ शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपको कितने 6 एप्पल्स नजर आ रहे हैं, फिर ये 5, फिर 4, फिर 3, इस तरह से रिड्यूस हो रहे हैं, है ना, एक 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 एक। सो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, कंप्लीट द पैटर्न, वन इज डन फॉर यू। ये आपके पास टोटल 8 ब्लॉक्स का है ना, यहाँ पर 7, देन 6, देन 5, देन 4, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 6 स्टार है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है। अब आपको कितने स्टार बनाने हैं? 3, 1, 2 एंड देन 3। 1 1 से पैटर्न रिड्यूस हो रहा है, और अब होगा तो सिर्फ 2 बचेंगे, इस तरीके से, है ना। तो आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, देन ए बी, देन सी, देन डी, एंड लास्ट वन इज ए बी एंड सी। यहाँ आपको ये काइट नजर आ रही होगी, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। अब यहाँ कितनी बचनी चाहिए? यस, 2। इस तरीके से, है ना, ये आप ड्रॉ करिएगा इस तरह से, 1, ये हो गई इस तरीके से, है ना, ये 2, एंड देन लास्ट वन इज 1, है ना। यहाँ पर आपको स्माइलीज नजर आ रही हैं, 6, देन 5, देन 4, यहाँ पर आपके पास बचेगी 3, ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो यहाँ पर आपके पास कितने बचेंगे? ओनली 2। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आ रही है। यहाँ पर आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेयर, 4 लेयर, 3 लेयर, यहाँ आपके पास बचेगा 2 लेयर का, है ना। ये आप कलर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, ये 2 लेयर का हो गया, और यहाँ पे लास्ट वन बचेगा, दैट इज फॉर 1 लेयर ओनली। इसको आप कलर करिएगा ग्रीन कलर, ठीक है। ये ग्रीन कलर है, तो इसी तरह इसको, इनको ग्रीन कलर करिएगा, और यहाँ पे ब्राउन, है ना, ये स्माइलीज में येलो कलर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से करने में मज़ा भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, तो ये आप लोगों को करना है। एक्टिविटी में आइडेंटिफाई एंड नेम द पैटर्न, ये किस तरह का पैटर्न है? ग्रोइंग पैटर्न है, ये आपका रिड्यूसिंग पैटर्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास पहले कितनी सारी बर्ड्स हैं, यहाँ पे 2 बर्ड या एक ही बची, ये आपका अगेन ग्रोइंग पैटर्न है। ये आपका जो फ्लावर पेटल्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे क्रोज पूरा कंप्लीट हुआ, ये आपका रिपीटिंग पैटर्न है। तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर पैटर्न पे। नंबर पैटर्न्स कैन बी रिपीटिंग, ग्रोइंग और इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग। नंबर पैटर्न्स कैसे भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, ग्रो भी हो सकते हैं, इंक्रीज और रिड्यूस भी हो सकते हैं, या डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स, 1 इज डन फॉर यू। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये आपको एक दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर आप देखें, 42, देन 44, देन 46, देन अगला क्या होगा? ऑब्वियसली 48। वाई? इट इज इंक्रीजेस बाय 2 नंबर। ओके, 42 से 44, 44 इज 46, 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 2 50। फाइन, देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, देन 1, 2, 3, देन 2, 3, 4, 0, फिर 1, फिर 2, तो यहाँ क्या होगा? 3, एंड देन 3 के बाद 4, यहाँ पर 1, 2, 2, 3,
4, देन 4, 5, एंड 4, 5 के बाद 5, 6. आई होप आप लोगों को समझ में आया ग्रोइंग पैटर्न्स, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर है 56, देन 52, देन 48. यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, 4 4 से रिड्यूस है ना. देखिए ना, 56 में से 4 माइनस किया तो 52 हुआ, 52 में से 4 माइनस किया तो 48 हुआ, 48 में से 4 माइनस करेंगे सो यू विल गेट 44, देन 40 40, देन 36 36. तो इस तरह से ये पैटर्न आएगा, ठीक है. आगे देखें, 100, देन 95, देन 90. मतलब क्या हो रहा है, 5 5 से रिड्यूस हो रहा है. तो 100 के बाद 95, तो 95 के बाद 90, 90 के बाद क्या होगा, 85 होगा. 485 से रिड्यूस होकर के 80. यहाँ है 22, यहाँ पे 33, यहाँ पे 44. मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स 11 11 से इंक्रीमेंट है. यहाँ पर होगा 55 एंड यह 66. ओके, दिस इज 35, दिस इज 40, दिस इज 45. सो 5 5 से इंक्रीमेंट है, यहाँ पर 50 एंड देन 55. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, है ना. चलिए अब आप पेज टर्न कीजिए और आपका ये एक्टिविटी खत्म करिएगा और आपका चैप्टर भी यहाँ से इस फन एक्टिविटी से खत्म हो जाएगा, ठीक है. इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, फिल द एम्प्टी बॉक्स बाय कंप्लीटिंग द पैटर्न, ठीक है. ओके बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और हमें बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है बच्चों. बाय बाय.